मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहटे तहसील के सकलनपुर पहुंचे। यहां पर सबसे पहले सीएम ने मां बिजासन देवी के दर्शन करके भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत की अर्जी लगाते हुए प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इससे पहले सलकनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया। मां बिजासन के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीचे धर्मशाला पहुंचे। यहां पर सलकनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं का समागम रखा गया, जिसमें मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया था कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बनकर प्रचार प्रसार करेंगे, वैसा भी किया। मुधनी विधानसभा का हर एक कार्यकर्ता यहां पर शिवराज सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। समरस ग्राम पंचायत कैसे बने, फालतू के झगड़े झंझट में ऊर्जा लगती है वो खत्म करके हम समरस कैसे करें, एक कैसे करें, उसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे चुनाव परिणाम के बाद। काम करने में देर लगेगी लेकिन आप सोचो, कभी कोई सोचता था कि सरकार इतना काम करेगी? लेकिन अपन करेंगे क्योंकि सब अपना परिवार है। आज बहुत लंबी बात अवसर है, माँ के भी दर्शन हुए और कार्यकर्ताओं का साथ भी मिला।
ये परिवार है अपना, क्योंकि ये विधानसभा में मैं कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं हूँ, हम सब एक परिवार हैं। आज परिवार के साथ मिलने की बहुत इच्छा थी, मिले, बातचीत की, फोटो खींचे, शुभकामनाएं दी। और मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो पूरे प्रदेश में मैं घूमूंगा। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम यहाँ जिता के रिकॉर्ड वोटों से यहाँ जिताएंगे, तो दोनों अपना अपना वादा पूरा करेंगे। अच्छा, सरकार का क्या है? सरकार बीजेपी की बनेगी, क्या क्या है, निश्चित बनेगी।